साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्राणी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में, तो इसी वीडियो में हम विभिन्न शाखाओं को ही जारी रखते हैं और अन्य शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओंटोजेनी के बारे में। तो देखो, ओंटोजेनी में स्टडी की जाती है जो जीवन वृंत है, मतलब जो केस हिस्ट्री है पूरी की पूरी किसी भी एनिमल की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जो फिनोजेनी है उसकी। तो फिलोजेनी में स्टडी होगी जो स्पीसीज इवोल्यूशन है उसकी, जो स्पेशल जो स्पीसीज है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से क्लाइमेट इफ़ेक्ट उसके ऊपर हुए हैं, ये सारे की सारी स्टडी हम फाइलोजेनी में करेंगे। उसके बाद में टेटोलॉजी, जिसको हम उपार्जी की बोलेंगे। तो टेटोलॉजी में जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। उपार्जित लक्षण हम जिनको बोलते हैं, सारे के सारे उपार्जित लक्षणों की स्टडी हम इस ब्रांच में करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम यूथेनिक्स की। तो यूथेनिक्स एक मानव जाति के लिए लाभकारी ब्रांच है और इसमें पालन पोषण संबंधी मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज है उनसे मानव को लाभ होता है कि नहीं होता है, उसके स्वास्थ्य लाभ से संबंधित सारी की सारी क्रियाएं का अध्ययन इस ब्रांच में करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूथेनिक्स के बारे में। तो यूथेनिक्स एक प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित ब्रांच है जिसमें जीन और उससे निर्मित आरएनए और आरएनए से निर्मित जो प्रोटीन होता है और जो प्रोटीन में चेंजेज आके मानव की जो स्पीशीज बनती है उन सारी स्पीशीज का अध्ययन हम यूथेनिक्स में करते हैं। उसके बाद में ट्रोफोलॉजी। तो देखिए, ट्रोफोलॉजी का संबंध सीधा और सीधा जो ट्रॉप्स है या फिर पोषण है, न्यूट्रिशन है, उससे संबंधित है। प्राणी विज्ञान में जितने भी एनिमल्स है उनका पोषण किस प्रकार का है, कौन सी विधियाँ वो पोषण में काम में लेते हैं, उनका अध्ययन हम ट्रोफोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एंजाइमोलॉजी की। तो जैसा कि नाम से पता आप लोगों को, एंजाइमोलॉजी में एंजाइम्स की रिएक्शंस की स्टडी की जाती है। कौन सा एंजाइम कौन से क्रियाधर पर कार्य करेगा, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो एंजाइमोलॉजी में की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की। तो देखो, इम्यूनोलॉजी का सीधा और सीधा संबंध इम्यूनिटी से है। जो प्राणी है उसकी इम्यूनिटी, या फिर हम बोलें कि जो एंटीजन है उससे लड़ने की जो पावर होती है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो कोई भी संक्रमण है और उसके विरुद्ध कार्य करके एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो सारी की सारी क्रियाओं का अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी ब्रांच में करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में प्रत्येक जीव की संरचना किस प्रकार हुई है, उसकी संरचना में कौन कौन से कंटेंट काम में लिए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे के सारे जो कंटेंट होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स का जो स्टडी होती है वो सारी इसमें अध्ययन की जाती है बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद में बात करेंगे हम बायोफिजिक्स की। तो जैसे देखिए, बायोकेमिस्ट्री थी उसमें हम रसायन का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ बायोफिजिक्स में भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और वो भौतिक सिद्धांत सारे संबंधित होंगे हमारे एनिमल से और उसकी एक्टिविटीज से। तो मतलब जो जैव क्रियाएं हैं उनके सारे के सारे भौतिक सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो हमारा होगा बायोफिजिक्स में। उसके बाद में मनोजीव विज्ञान या साइकोबायोलॉजी। तो साइकोबायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करेंगे, जो जंतुओं की जो मनोवृत्ति है उसका अध्ययन हम करेंगे। मनोवृत्ति से आशय ये है कि कौन से समुदाय का जंतु कौन से वातावरण में जाके
कौन सी क्रिया करता है या फिर कौन से व्यवहार के प्रति कौन सी अनुक्रिया दर्शाता है, ये सारी की सारी क्रियाओं का अध्ययन हम साइकोबायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे माने आणविक स्तर के ऊपर जो कार्य किया जाता है उससे संबंधित है। प्रत्येक जो रिएक्शन है उसका आणविक स्तर पर जो अध्ययन है उसका संबंध हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। जैसे डीएनए है, आरएनए है, इनकी केमिकल रिएक्शंस, इनका कंपोजिशन, ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं इन पे स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मेराइन बायोलॉजी, जिसको समुद्री जीव विज्ञान भी हम कहते हैं। तो मेराइन बायोलॉजी में समुद्री जीवों का अध्ययन होगा। उसके बाद में सेक्सोलॉजी, सेक्सोलॉजी में जो लैंगिक अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन्स और उनके कार्य करने की जो क्षमता और उनमें होने वाले जो विकार हैं उन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो हमारी सेक्सोलॉजी के अंतर्गत की जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोटिस्टोलॉजी। तो फाइलम प्रोटिस्टा के जो एनिमल्स हैं सारे के सारे, उनकी जो स्टडी है वो हम करेंगे प्रोटिस्टोलॉजी में। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। उसके बाद में ओटोराइनोलेरिंगोलॉजी। तो ओटोराइनोलेरिंगोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो एनिमल्स हैं उनके नाक, कान और गले की। देखो, नाक, कान और गला एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, तो एनिमल की जो ये ब्रांच है इसमें तीनों चीज़ों का एक साथ स्टडी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ENT जो डॉक्टर्स होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट, वो सारे के सारे नाक, कान और गले के डॉक्टर होते हैं, वैसे ये जो ब्रांच होती है ये भी नाक, कान और गले का अध्ययन करवाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एरोबायोलॉजी की। तो एरोबायोलॉजी का सीधा और सीधा संबंध एयर में उड़ने वाले एनिमल्स से है। तो जो उड़ने वाले जो जंतु हैं उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी हम करेंगे एरोबायोलॉजी में। जैसे एवीज जो वर्ग है हमारा, उसमें कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें अध्ययन करने लायक हैं। उसके बाद में जो ब्रांच आती है उसका नाम है हिप्नोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी में देखिए, यहाँ नींद का अध्ययन किया जाता है, जो स्लिप होती है। प्रत्येक प्राणी को नींद की आवश्यकता होती है और नींद में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो करता है, तो ये सारी की सारी स्टडी हम हिप्नोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आयुर्विज्ञान, जिसको जेरोंटोलॉजी भी हम कहते हैं। तो देखिए, समय के साथ साथ प्रत्येक सजीव में वृद्धि होती है और उस वृद्धि का जो अध्ययन है वो हम जेरोंटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में जिनेकोलॉजी। तो जिनेकोलॉजी का सीधा सीधा संबंध यहाँ पर चला जाएगा जीन से, और जीन का संबंध हो जाएगा जो हेरिडिटी है अपनी पूरी की पूरी उससे। तो यहाँ जो जिनेकोलॉजी है उसमें एनिमल्स की जो जीन्स होते हैं उनकी बनावट, संरचना और उनके फंक्शंस, कौन सा जो क्षारक है वो चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा जीन के ऊपर, तो ये सारी की सारी जो स्टडी है ये हमारी की जाएगी किस में, जिनेकोलॉजी में। अगली ब्रांच है अपनी ओनीरोलॉजी। तो ओनीरोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो मनुष्य के स्वप्न हैं उनका अध्ययन इसमें करेंगे। ड्रीम्स की स्टडी जो करेंगे वो करेंगे ओनीरोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, हमने यहाँ ऊपर वाली जो ब्रांच पढ़ी है स्लिप, इसमें केवल और केवल नींद का अध्ययन होगा, लेकिन जो नींद में अपन स्वप्न देखेंगे, ड्रीम्स देखेंगे, उनका अध्ययन यहाँ हम करेंगे ओनीरोलॉजी में। उसके बाद में टेरेटोलॉजी की बात आती है। तो टेरेटोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी। यहाँ हम एक बात बता दें कि जो ट्यूमर्स होते हैं, किसी भी सेल की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसके फलस्वरूप ट्यूमर का निर्माण होता है, और उस ट्यूमर की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं टेरेटोलॉजी में।
अगली जो ब्रांच है हमारी वो है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी का सीधा और सीधा संबंध यहाँ पर चला जाता है स्किन से। तो त्वचा का अध्ययन यदि हम करना चाहते हैं तो हमको डर्मेटोलॉजी जो ब्रांच है जूलॉजी की उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी या कपाल या क्रोटी का अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे कपाल कितनी अस्थियों से बना होता है, कौन सी अस्थि का क्या काम है, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं कपाल के, इनकी जो स्टडी है वो की जाएगी क्रेनियोलॉजी में। उसके अगली ब्रांच आती है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर जिसको बोलते हैं। तो देखिए रेशम कीट का संपूर्ण जीवन चक्र और कैसे हम एक रेशम कीट से पूरा का पूरा रेशम प्राप्त करते हैं, कैसे उससे वस्त्र निर्माण करते हैं, तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हम अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर जो ब्रांच है अपनी जूलॉजी की उसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन को हम बोलेंगे एपिकल्चर। तो शहद व मोम प्राप्त करने हेतु मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसकी स्टडी हम एपिकल्चर में करेंगे। कौन कौन सी जातियां शहद के लिए अच्छी होती है, कौन कौन सी जातियां मधुमक्खियों के जो कार्य हैं वो उनके अनुसार डिवाइड होते हैं, और जो सामाजिक जीवन है मधुमक्खियों का सारा इस ब्रांच में आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे पिगरी की। तो पिगरी को बोलते हैं हम सुअर पालन। तो सुअर से हम चर्बी, मांस, बाल आदि प्राप्त करते हैं, और सुअर में जो चेंजेज आते हैं किस तरीके से हम अच्छी चर्बी, मांस और बाल प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए एक ब्रांच का निर्माण किया गया है जूलॉजी में जिसका नाम है पिगरी। उसके बाद वाली है पोल्ट्री, जो मुर्गी पालन है। तो मुर्गी से हम अंडे और मांस प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी किस्म की मुर्गी से हम अच्छे किस्म के अंडे प्राप्त कर सकते हैं, और जो पोल्ट्री कल्चर होता है मुर्गी पालन जिसको हम बोलते हैं वो सारा का सारा इसमें समाहित होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पशुपालन की, डेयरी साइंस। तो डेयरी साइंस में पूरे के पूरे जो दुधारू जीव हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। दूध देने वाले जितने भी जंतु हैं उसमें दूध का संवर्धन कैसे किया जाए, कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा फैटयुक्त दूध हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें इसमें आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पिसीकल्चर की। तो पिसीकल्चर का सीधा संबंध मछलियों से है। मछलियों से हम कोड लीवर और मांस ये सारे प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे किस्म का मांस और ऑयल प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी किस्म की मछलियाँ पालनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें इसमें समाहित होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पर्ल कल्चर की। तो पर्ल कल्चर का सीधा संबंध मुक्ता पालन और मोतियों का निर्माण से जो ब्रांच संबंधित होती है उससे है। यहाँ पर जो पर्ल कल्चर है वो जो फाइलम मोलस्का है उसमें जो पिंकटेडा होता है उससे हम पर्ल का निर्माण करते हैं। कैसे वो समुद्र की तलहटी में पर्ल का फॉर्मेशन करता है, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, तो ये सारी की सारी जो क्रिया है ये हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मिर्मिकोलॉजी। तो मिर्मिकोलॉजी में यहाँ हम अध्ययन करेंगे चींटियों का। देखिए चींटियाँ एक सामाजिक जीव है और कैसे उनमें श्रम का विभाजन पाया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मिर्मिकोलॉजी में। उसके बाद में जो ट्रमेटोलॉजी है, तो ट्रमेटोलॉजी में दीमक का अध्ययन होगा। देखो दीमक भी एक प्रकार का सोशल वो एनिमल है, तो इसमें भी श्रम विभाजन पाया जाएगा। कौन सी दीमक का क्या कार्य होगा, क्या खाएगी दीमक, तो ये सारी की सारी बातें हैं ये बताई जाएगी अपनी ट्रमेटोलॉजी में। उसके बाद में हम बात करेंगे निडोलॉजी की। तो देखिए निडोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे पक्षियों का, और पक्षियों से संबंधित जो घोंसले होते हैं उनका अध्ययन हम निडोलॉजी में करते हैं। उसके बाद वाली जो ब्रांच है वो है एथनोलॉजी।
तो एथनोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे मनुष्य की जो जातियां हैं उनका, कौन कौन सी जातियों के रूप में जो विकास हुआ है मनुष्य का, उनका अध्ययन सारा इसमें करेंगे। उसके बाद में एनिमल हजबेंड्री, प्राणी चिकित्सा अध्ययन, तो इसमें जो जंतुओं की चिकित्सा, कल्याण और जनन का अध्ययन होगा, किस प्रकार से जंतुओं की चिकित्सा और उनका स्वास्थ्य वर्धन किया जा सके और कैसे उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ाई जा सके, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम एनिमल हजबेंड्री में करते हैं। उसके अगली ब्रांच है फिनोलॉजी, तो फिनोलॉजी में हम बात करेंगे ऋतुओं से प्रभावित होने वाले जंतुओं के उदाहरण, जैसे जो बर्ड्स माइग्रेशन है उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। अगली जो ब्रांच है अपनी वो है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे कैंसर का, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी सेल्स इसमें ज़्यादा ग्रोथ करती है, किस तरीके से कैंसर को कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर से रिलेटेड जीन्स हैं उनकी भी स्टडी की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऊलॉजी, तो देखिए ऊलॉजी में हम यहाँ पक्षियों के अंडों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में हम जो रोग के कारण का अध्ययन, किस कारण से रोग होते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद में क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करने वाले जो सेल्स होती है क्रोमेटोफोर्स, वो कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से एनिमल्स में वो अलग अलग टाइप्स की होती है, ये सारी की सारी स्टडी हम क्रोमेटोलॉजी में करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे हिस्टोकेमिस्ट्री, तो हिस्टोकेमिस्ट्री में जो उत्तक होते हैं अपने, उनकी रासायनिक प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे। कौन सा उत्तक कौन सी रासायनिक प्रकृति का होता है, कौन से उत्तक के ऊपर कौन सी प्रकार की कोशिका स्थित होती है, तो ये सारी की सारी जो प्रकृति है इसका अध्ययन हम हिस्टोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद में है पीडोलॉजी, तो पीडोलॉजी में लार्वाओं का अध्ययन होता है, जो लार्वा पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क आदि में, तो इन सारों का सारे जो लार्वा होते हैं इनका अध्ययन हम कर सकते हैं पीडोलॉजी में। उसके बाद में अगली जो ब्रांच है वो है जाइमोलॉजी, तो देखिए जाइमोलॉजी में अध्ययन होता है फर्मेंटेशन का, किण्वन का, किस प्रकार से किण्वन के द्वारा हम अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद में इक्नोलॉजी, तो इक्नोलॉजी में स्टडी होगी जो फॉसिल फुटप्रिंट्स है उनकी, जैसे मान लेते हैं कि डायनासोर का जो फुटप्रिंट है वो कहीं पे मिला, तो अब उस फुटप्रिंट के आधार पर जो भूवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से आइडियाज लगा सकते हैं कि भाई यहाँ कौन कौन सी जाति कौन से काल में रही होगी और उनका विकास किस प्रकार से हुआ होगा, तो ये सारी की सारी बातें हम इक्नोलॉजी में बताते हैं। तो साथियों ये थी प्राणी विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान के एक अलग टॉपिक की, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।